बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोराजन के हवाले से। कोराजन एक ऐसी करिश्माती जहर है कि जो इंसानों के लिए जहर तो नहीं है, लेकिन लेपिडोप्टरा फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी कीड़े, सूंडी, मक्खी, अशरात हैं, उन सब के लिए एक ऐसी कमाल की जहर है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी तमाम फसलें, तकरीबन तमाम फसलें जो हैं, उन सब में ये बेहतरीन किस्म का काम करती है। कोराजन जो है वो एक नहायत ही मुफीद तरीन जहर है। इसको जदीद जहरों के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है, गिना जाता है। अब ये जहर जो है, इसके अंदर कोरेंट्रा नीली प्रो जो है 20 SC होता है। कोरेंट्रा नीली प्रो को आप जानते होंगे, अगर आप फटेरा का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी कोरेंट्रा नीली प्रो होता है, जबकि वटाको के अंदर भी कोरेंट्रा नीली प्रोर होता है, लेकिन असल जो मशहूर ज़माना चीज़ है वो कोराजन ही है। कोराजन जो है वो हर फसल के ऊपर कारामद होती है। ये काश्कर भाइयों, हमारी तमाम फसलों के ऊपर सूंडी आती है, जैसा कि कपास में अमेरिकन चितकबरी और लश्करी सूंडी के लिए इसकी 50 से 80 मिलीलीटर जो है वो डोज रिकमेंड की जाती है, जबकि मकई के अंदर फार आर्मी वर्म के लिए 50 से 100 मिलीलीटर की डोज है वो रिकमेंड की जाती है। इसके बाद गोभी के अंदर लश्करी सूंडी, अमेरिकन सूंडी के लिए 50 मिलीलीटर, टमाटर में रीफ माइनर फ्रूट बोरर के लिए 50 मिलीलीटर, जबकि भिंडी के अंदर अमेरिकन और चितकबरी सूंडी के लिए 50 मिलीलीटर की डोज रिकमेंड की जाती है। आलू में अमेरिकन सूंडी के लिए 25 मिलीलीटर, जबकि धान की सूंडी, तने की सूंडी, पत्थर पेड़ सूंडी के लिए 50 से 60 मिलीलीटर जो है इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। जबकि सिट्रस में लीफ माइनर के लिए 15 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करने की सिफारिश जो है वो की जाती है। इसके बाद सेब में अमेरिकन सूंडी के लिए 15 से 20 मिलीलीटर, जबकि बरसीन के अंदर अमेरिकन सूंडी के लिए 15 मिलीलीटर जो है वो डोज इसकी सिफारिश की जाती है। इसके बाद मटर और बैंगन के अंदर फ्रूट बोरर के लिए 40 मिलीलीटर जो है इसकी डोज है वो रिकमेंड की जाती है। खासकर भी आप लोग जानते हैं कि बैंगन की फसल के ऊपर इंतहाई ज़्यादा स्प्रे होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन स्प्रे करना पड़ता है। अगर उसके ऊपर आप कोराजन का 40 मिलीलीटर का स्प्रे करेंगे तो आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा कमाल का जदीद तरीन जहर है कि आपकी सोच है, तकरीबन ये तमाम फसलों के ऊपर, आप इसको गन्ने की फसल के अंदर 150 ml यानी कि 150 मिलीलीटर जो है, अगर आप इसकी ड्रिंचिंग कर देते हैं तो कमांद की कीड़ी, जो उसका गुड़वे वगैरह होते हैं जो कमांद के अंदर आ जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमारी कमांद की फसल को, इसकी ड्रिंची करने के बाद अगर आप पानी लगा देते हैं तो आपके 2-3 माह आराम से गुजर जाएंगे। कभी भी आपके कमांद की फसल के ऊपर 3 माह तक जो कीड़ी या गुड़वे का अटैक ही नहीं होता। इस तरह का यह कमाल का जहर है। आप इसको अपनी मकई की फसल के ऊपर जब इस्तेमाल करते हैं तो फार आर्मी वर्म का भी कंट्रोल हो जाता है। सर, मार्केट के अंदर और भी बहुत सी जहरें हैं, ये नहीं कि जहरें नहीं है, लेकिन उन इस तरह की जहर ये नहीं है, ये उससे जदीद तरीन जहर है। जदीद तरीन किस्म की ये जहर है, वो जहरें इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये कोराजन जहर एक नहायत ही बेहतरीन और मुफीद तरीन जहर है। लेपिडोप्टरा फैमिली से तल्लक रखने वाले जितने भी हशरात हैं उन सब का ये खात्मा कर देती है, और कोई ऐसा कीड़ा नहीं बचता जिसको ये ना मारती हो। हर तरह की सूंडी को, हर तरह के कीड़े को ये खत्म कर देती है। निहायत ही मुफीद और तरीन जदीद जहर है।